हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की मांग की है। मांझी ने कहा है कि वीके सिंह ने दलितों की तुलना कुत्ते से की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फरीदाबाद की घटना पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान को लेकर उठे विवाद के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को संभल कर बयान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर बयान देते समय शब्दों के चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए, बेहतर होगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया है। आजम ने देश में हो रही रेप की घटनाओं के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराया है, मोबाइल इंटरनेट की वजह से रेप हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि पाक में रह रही गीता 26 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। भारत आने के बाद गीता का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। गीता के साथ आ रहे ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्यों को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया है। साहित्य अकादमी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कन्नड़ लेखक एम एम कलबुर्गी की हत्या की निंदा की। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों से कहा कि वे अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करें। लेखकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, उसे छीना नहीं जा सकता। महिला बाल विकास मंत्री अनिता भदेल टोंक पहुंची। आरकेसीएल की तरफ से कराए जाने वाले 3 महीने के आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स में मिली गड़बड़ी पर वो भड़क उठी। उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एक दिन के दौरे पर बीकानेर आए। इस दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और जनता के हित के काम तुरंत गति से होने की नसीहत दी, साथ ही जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाई और व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। जोधपुर के आर्मी अस्पताल में स्वाइन फ्लू पीड़ित कर्नल की मौत हो गई। कर्नल की मौत से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संभाग के दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। रूपवास के घाटौली खनन क्षेत्र में भारी मात्रा की विस्फोट में एक बच्ची घायल हो गई। घटना के बाद अवैध खननकर्ता एक जेसीबी को छोड़कर भाग गए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को खनिज विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लांडू पुलिस की दादागिरी सामने आई है। पुलिस पर पूछताछ के दौरान एक युवक के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। विवाहिता के घर से फरार होने पर पुलिस युवक को पूछताछ के लिए लाई थी। थाने में एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दिन दहाड़े गाड़ी की चोरी हो गई। पीड़ित ने बताया कि वो एक काम से एसपी दफ्तर आया था और गाड़ी खड़ा करके गया था। पीछे से चोर गाड़ी लेकर फरार हो गए। उसने पीछा किया लेकिन वो फरार हो गए। रामगंज मंडी में एक सब्जी विक्रेता के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भिवाड़ी में 41 बाल मजदूर छुड़ाए गए हैं। ये बाल मजदूर अलवर बाईपास मतीला के एक टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे थे। बच्चों को दूसरे रास्तों से निकालने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने कंपनी के सारे गेट बंद करवाकर बच्चों को छुड़ाया। उदयपुर की हिरण मगरी थाना पुलिस ने 6 लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने एक लूट और चोरी की 10 वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 बाइक्स और 50 सिंटेक्स की टंकियां भी बरामद की हैं। जोधपुर में छापेमारी के बाद 3 दिन से दाल दलहन की दुकानें बंद हैं। मंडोर कृषि उपज मंडी और बासनी मंडी में 3रे दिन भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। लंडन में दालों के स्टॉक की जांच की गई। दालों के स्टॉक की जांच की खबर मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दालों की कालाबाजारी के चलते प्रमुख शासन सचिव और राज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। हमारी मंडी में मिठाइयों की दुकानों पर रसद विभाग ने छापे मारे। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रसद विभाग की टीम ने 2 से 3 दुकानदारों के यहां से कई तरह मिठाइयों की जांच की और सैंपल लिए। किशनगढ़ की मुख्य सड़कों पर एयरटेल 4G लाइन के लिए खुदाई का काम कर रहा था। लापरवाही से खुदाई के चलते कई जगह पाइपलाइन टूट गई। नगर परिषद ने 4G पाइपलाइन को निकाल कर नगर परिषद एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा के राधोला ग्राम में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन हटाए जाने की मांग की। बांसवाड़ा दौरे पर रहे गुलाबचंद कटारिया ने मंदार रेयवर में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सज्जनगढ़ क्षेत्र के टांडा मंगला ग्राम में थाने के नए भवन का शिलान्यास भी किया।
पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती के मौके पर शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्याधर नगर में शेखावत स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नोहर के श्री श्याम मंदिर के सत्र में वार्षिक महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैसे ही मजबूती के रुख को देखते हुए सटोरियों ने अपने सौदे के आकार को बढ़ाया, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने के भाव 21 रुपए तेजी के साथ 27,097 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी प्रमुख और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से उनके घर जाकर मुलाकात। अभी बेटी के बारे में सुर्खियों में रहने वाले गायक अभिजीत भट्टाचार्य एक बार विवादों में हैं। उन पर वर्सोवा स्थित गाला लोखंडवाला दुर्गा पंडाल में आई एक महिला ने ओशीवारा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है।